Projectized organization structure. प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज़ को अरेंज करती हैं प्रोग्राम या पोर्टफोलियो में और इन्हें इंप्लीमेंट करते हैं प्रोजेक्ट्स के जरिए। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट का इंचार्ज होता है और इसके पास फुल अथॉरिटी होती है। टीम का हर मेंबर प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करता है। प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मुकम्मल अपोजिट होती हैं। इसमें फंक्शनल मैनेजर होता ही नहीं है, और अगर हो भी तो इसका रोल और अथॉरिटी बहुत ही कम होती है। ये प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसमें सब अपने और अपनी टीम के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट के कामों में इस्तेमाल होती हैं। प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उन कामों में दिलचस्पी लेते हैं जो प्रोजेक्ट वर्क एक्सटर्नल क्लाइंट से मिलता है। आमतौर पर इनमें कुछ छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि एडमिन, अकाउंटिंग, एचआर, जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर के पास तमाम इख्तियारात और पावर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी ख्वाहिशात के लिहाज से काम करता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो का पार्ट है और अगर कोई इक्विपमेंट आपके प्रोजेक्ट में आइडल रखा हुआ है और इसकी ज़रूरत किसी दूसरे प्रोजेक्ट में पड़ती है, तो पोर्टफोलियो मैनेजर ये इक्विपमेंट किसी दूसरे प्रोजेक्ट को असाइन कर देगा। अब आप इस फैसले पर एग्री हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन आपको इस बात की तामील करनी होगी। ऑर्गेनाइजेशंस प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट के लिहाज से मुकम्मल इख्तियारात और पावर्स देती हैं और प्रोजेक्ट के आउटकम की रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले रिसोर्सेज पर पूरी अथॉरिटी और पावर होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर बजट, रिसोर्सेज और वर्क असाइनमेंट को कंट्रोल करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास फुल टाइम टीम मेंबर्स होते हैं जो इसके मातहत काम करते हैं और इसको डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो टीम को डिसबैंड कर दिया जाता है। टीम मैनेजर और दूसरी तमाम रिसोर्सेज को रिलीज कर दिया जाता है। Advantages of a projectized organized structure. चूंकि टीम मेंबर प्रोजेक्ट मैनेजर को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, इसलिए अथॉरिटी वाज़े नजर आती है। ये मदद करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने और डिसीजन मेकिंग को तेज और फ्लेक्सिबल बनाने में। सिंगल रिपोर्टिंग सिस्टम की वजह से कम्युनिकेशन चंद लोगों तक महदूद होती है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के अंदर मजबूत और इफेक्टिव कम्युनिकेशन पैदा करती है। सोल अथॉरिटी की वजह से कम्युनिकेशन में कम टाइम लगता है और स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स का जवाब तेज तर होता है। सेंस ऑफ अर्जेंसी, माइलस्टोन्स, गुड कम्युनिकेशन और ऑपरेशंस किसी भी नए टीम मेंबर के लिए सीखने के लिए बहुत अच्छे हैं और लर्निंग कर्व को रैपिड कर देते हैं। टीम मेंबर्स मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स करते करते काफ़ी वर्सेटाइल और एक्सपीरियंस हो जाते हैं। Disadvantages of a projectized organization structure. Project manager मगरूर हो सकता है इस तरह से कि इसे अपनी टीम के members पर पूरा इख्तियार और पावर हासिल है। इख्तियारात की कमी प्रोजेक्ट मैनेजर के काम में रुकावट बनती है और मुकम्मल इख्तियारात टीम members के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। प्रोजेक्ट्स में हमेशा डेडलाइंस होती है जो के शेड्यूल को काफ़ी स्ट्रेसफुल बना देते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स एक ही वक्त में चल रहे हों तो पुअर कम्युनिकेशन की वजह से रिसोर्सेज डुप्लीकेट हो सकती हैं। टीम मेंबर्स इनसिक्योर महसूस करते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने पर इनकी जॉब्स ख़त्म हो सकती हैं, लिहाजा वो ऑर्गेनाइजेशन से कम लॉयल होते हैं। एम्प्लाइज और इक्विपमेंट की कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक मुख्तसर मुद्दत के लिए स्किल्ड पर्सन्स को हायर करती है, इसी तरह कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट भी ज़्यादा हो जाती है। प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बहुत डायनामिक होती हैं और बहुत तेज़ी से सीखती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का किरदार बहुत अहम होता है क्योंकि वही पूरे प्रोजेक्ट के इंतजाम करता है।
इसे प्रोजेक्ट चलाने और रिसोर्स एलोकेट करने के इख्तियारात होते हैं, अगरचे इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, प्रोग्राम मैनेजर और पोर्टफोलियो की सपोर्ट हासिल होती है, लेकिन दिन के इख्तिताम पर वो प्रोजेक्ट के नतायज का जिम्मेदार होता है।